मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे मेरे पास? हाँ तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं मदर्स डे पे कुछ इतने का वीडियो एडिटिंग। आप भी इतने का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। VN एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा VN एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है इस तरह से। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वीडियो ऐड करना है, लिरिक्स वीडियो। चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, एंड फोटो पे क्लिक करके इसके बाद आपको यहाँ से 15 इमेज को ऐड करने हैं। चलिए हम यहाँ से फोटो ऐड कर लेते हैं। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आपको एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो आपका जो इमेज है ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लिरिक्स वीडियो और साथ में फोटो भी ऐड हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पे एक ब्लैक लेयर मिलेगा, इसको डिलीट करेंगे। इसके बाद स्टार्टिंग में आएंगे और यहाँ पे आपको लिरिक्स वीडियो पे क्लिक करना होगा इस तरह से, और इसके साउंड को यहाँ पर ऑफ कर लेना है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको म्यूजिक को ऐड करना है। म्यूजिक को ऐड करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पे म्यूजिक का सिंबल मिल जाएगा, देखिए ऊपर है, इस पर क्लिक करेंगे और म्यूजिक पे जाएंगे। एंड अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना म्यूजिक ऐड कर लेना है। म्यूजिक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जितना भी मटेरियल हम यूज करेंगे सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ से म्यूजिक ऐड कर लेते हैं, यूज पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद आपको बीट्स पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे हमने बीट्स को ऐड किया है। बीट्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इसके बाद यहाँ से डन कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद आपका जो इमेज है उसको बीट से एडजस्ट करना होगा, ठीक है। इस वाले बीट पे आएंगे, देखिए यहाँ पर है थर्ड वाला बीट जो हमने ऐड किया है, इस पे आएंगे और फोटो पे क्लिक करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ के बीट के बराबर करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ओके, एंड इसके बाद अगले वाले बीट पे आएंगे और फोटो पे क्लिक करके इसको भी इस तरह से बराबर कर लेंगे बीट के बराबर। तो यहाँ पे जो हमारे इमेज है बीट से परफेक्टली एडजस्ट हो चुका है, यहाँ पे हम इसको प्ले कर लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है बीट से एडजस्ट हो चुका है, हमने इसको प्ले भी कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है एफएक्स लगाने की। तो एफएक्स लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस थर्ड वाले इमेज पे क्लिक करेंगे, ओके, और एफएक्स पे जाएंगे 4:16। आपको यहाँ पे वाइट वाला जो ब्लिंकिंग इफेक्ट है उसको ऐड कर लेना है इस तरह से, एंड यहाँ से डन। इसके बाद आपको 12वें इमेज पर क्लिक करना होगा, इस वाले इमेज पे, एंड एफएक्स पे आएंगे और यहाँ पर भी वाइट वाला ब्लिंकिंग इफेक्ट ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लास्ट वाला जो आपका इमेज है इस पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको जूम आउट अप्लाई कर लेना है, और इसके पहले जो प्लस दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये लाइट वाला जो ट्रांजिशन है उसको अप्लाई कर लेना है, और यहाँ पे इफेक्ट ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे जो एफएक्स लग चुका है, इसके बाद 8वें इमेज पे क्लिक करना होगा, ये रहा हमारा 8वां इमेज, इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद एफएक्स भी आएंगे और यहाँ पे आपको जूम आउट लगा लेना है और प्लस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लाइट वाला जो ट्रांजिशन है उसको ऐड कर लेना है। ये देखिए हो गया। तो यहाँ पे वाला जो ट्रांजिशन लग चुका है, इसके बाद स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ओके, स्टार्टिंग में आने के बाद 2 इमेज छोड़ेंगे, 1, 2, 3, ये भी छोड़ देंगे क्योंकि इस पर एफएक्स हमारा लग चुका है। एंड इसके बाद जितना भी आपका इमेज बचा हुआ है सभी पे आपको जिटर डाउन अप्लाई कर लेना है, एफएक्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम जिटर अप अप्लाई कर लेते हैं। ओके, इस तरह से एफएक्स पे जाएंगे और जिटर अप अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जिटर अप वाला जो एफएक्स लग चुका है सभी इमेज पे,
और फर्स्ट में आपको यहाँ पर दो इमेज मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना है। फर्स्ट में प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जूम वाला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हम जूम को अप्लाई कर लेते हैं। ध्यान, इसके बाद इस अगले वाले प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपकी मर्जी का है वो अप्लाई कर लेना। स्ट्रेट अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड इस पर भी इफेक्ट्स अप्लाई कर देंगे। कोई भी एफएक्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जो आपकी मर्जी का है। ठीक है, ऐड कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट वीडियो ऐड करना है। चलिए हम यहाँ से कोई सा एक टेम्पलेट वीडियो ऐड कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ से ये वाला टेम्पलेट ऐड कर लेते हैं। तो टेम्पलेट ऐड करने के बाद इसको रोटेट कर लेंगे इस तरह से, एंड यहाँ पे इसको जूम कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको जूम करने का, आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे फिट और फिल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपको ब्लेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से स्किन कर लेना इस तरह से, एंड डन। और इसमें साउंड होगा तो इसको म्यूट कर लेना यहाँ पे क्लिक कर। चलिए यहाँ पे टेम्पलेट वीडियो हमारा ऐड हो चुका। अब इसके बाद आप यहाँ पे साइडो इमेज ऐड करके उस पर मदर्स डे का टेक्स्ट पीएनजी ऐड कर सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप उसको ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस वीडियो को यहाँ से शेयर कर लेना है, एंड यहाँ से अपने हिसाब से बिट रेट, एफपीएस एंड रेजोल्यूशन चूज कर लेना। इसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना। ओके, तो आपका जो वीडियो है एक्सपोर्ट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।